दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है। हम कोशिश करते हैं कि सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता लगातार करते रहें, और आजकल सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में जो है वो है कोरोना वायरस। हम लखनऊ में हैं और यहां से 3,200 किलोमीटर दूर चाइना के वुहान शहर में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा रहस्यमयी, जिसके कारण एक ख़तरनाक वायरस इस समय दुनिया भर में न जाने कितने लोगों पर असर कर चुका है, 3,000 से ज़्यादा जाने ले चुका है। लेकिन कोरोना वायरस का असर ऐसी और बहुत लाखों करोड़ों शायद जिंदगियों पर हो रहा है, जिनका हमें अभी इल्म नहीं है, ख्याल नहीं है। इसलिए गांव कनेक्शन ने एक सीरीज शुरू की है, कोरोनाश, कोरोना के कारण हो रहा विनाश, उसके बारे में, और जो ह्यूमन इम्पैक्ट है इस वायरस का और इसके डर का, उसके बारे में। इसकी पहली स्टोरी है, होली का त्यौहार आ गया है और होली से जुड़ी जो फेस्टिविटीज़ हैं, जो खुशियां हैं, जो ख़रीदारी है, छोटे व्यापारी हैं, जो पटरी दुकानदार हैं, उनकी ज़िंदगियों पर क्या असर आया है। तो मेरे साथी देवेंद्र सिंह इस पर एक स्टोरी कर रहे हैं। देवेंद, क्या आपको लग रहा है, क्या असर है? सर, अभी जैसे मैं रिपोर्टिंग के दौरान गया, लोगों दुकानदारों से मिला, पिचकारी वालों से मिला, रंग वालों से मिला, तो मुझे कई सारे लोगों ने अपनी अपनी कहानी बताया अपने बारे में। कि एक दुकानदार मुझे मिला अमीनाबाद में। अमीनाबाद लखनऊ का सबसे बड़ा मार्केट है, जहाँ पे कोई भी त्यौहार लोग वहीं ख़रीदारी करने जाते हैं। एक दुकानदार मुझे मिला, वो वैसे तो चाय की दुकान चलाता है, लेकिन होली दिवाली उन सब में वो अपना ठेला भी लगाते हैं। वो उन्होंने बताया कि 18 साल से वो दुकान लगा रहे हैं, लेकिन इस बार जैसे सन्नाटा है वो कभी नहीं रहा। कहते लोग आते सबसे पहले पूछते हैं कि क्या ये पिचकारी चाइना की है। लोगों के अंदर चाइना कोरोना का इतना डर बैठ गया है कि लोगों को डर है कि अगर पिचकारी चाइना की है, गुलाल रंग चाइना का है, तो उसमें भी कोरोना होगा। ऐसे मैंने कई बड़े व्यापारियों से बात की, अलग अलग बड़े शहरों में, दिल्ली में, मुंबई में। मैंने मुंबई से बात करी, एक बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने कहा कि हमने नवंबर में, वैसे तो माल उनका मार्च में होली है, लेकिन वो लोग पहले 2-3 महीने पहले ही मंगा लेते हैं चाइना से, उसके बाद फिर पूरे देश में अपने स्टेट में छोटे दुकानदारों को भेजते हैं। तो उन्होंने नवंबर में माल मंगा लिया था, लेकिन अब कह रहे कि अब छोटे दुकानदारों के पास लोगों का छोटे दुकानदार उनके पास फ़ोन कर रहे हैं और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आपसे पिचकारी हमने तो ली, लेकिन अब लोग यही कहते हैं कि अरे इसको छुएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा। इतना ज़्यादा लोगों के अंदर डर है, दहशत है। हाँ, दहशत है। और यहाँ तक कि गुलाल, एक बंदा मिला मुझे एक रोड के किनारे, वो लगाते हैं, अमेठी के हैं। प्रतापगढ़ में एक जगह अंतु है, वहाँ पे होली के 4-5 महीने पहले से ही गुलाल बनने लगते हैं, तो वो वहीं से लेके आते हैं गुलाल। बेचारे रोड के किनारे बैठे थे, वो उन्होंने भी ये बताया, करा कि पिचकारी तो ठीक है, लेकिन गुलाल भी हम बताते हैं, जो कि अरे हम तो यहीं से लेके आते हैं, अंतु से लेके आते हैं, लेकिन लोगों को ये लगता रही ये भी चाइना का होगा। क्योंकि होली का त्यौहार है, साल भर लोग इंतज़ार करते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे दुकानदार हैं इन्हीं के भरोसे रहते त्यौहारों के, रक्षाबंधन है, दिवाली है, ठेले लगाते हैं दुकानदार, इन्हीं के भरोसे उनका खर्च चलता है, साल भर का खर्च चलता है। लेकिन अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि डर जो आदमी के अंदर है ना, डर है लोगों के अंदर कि अरे पिचकारी है, चाइना से आई है, चाइना के, तो उसमें भी कोरोना, क्योंकि ये तो नवंबर में ही आ गया था। इसके ये तो व्यापार का पक्ष है, इसके अलावा जो परंपरा है, होली मिलने की परंपरा, लोगों के घर जाने की परंपरा, उस पर भी असर पड़ा होगा। हाँ, इस बार ये इसका भी असर पड़ा है। कई सारे लोग हैं जिन्होंने छुट्टियां ले रखी थी, घर जाने वाले थे, किसी शहर में रहते, अपने गांव जाने वाले थे, उन्होंने अपने टिकट कैंसिल कर दी। अच्छा। क्योंकि ट्रेन में उन्हें लगता है कि ट्रेन में जा रहे हैं उसमें हो जाएगा। और मार्केट में भी अमीनाबाद में दिवाली होली के 2-3 दिन पहले इतनी भीड़ रहती थी, लेकिन आज उतनी भीड़ थी लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी। दोपहर का समय था जब मैं गया था, लेकिन उतनी भीड़ नहीं थी, खाली था, क्योंकि लोगों के अंदर वही डर है ना, अगर मैं बाहर जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा, तो कोरोना मुझे भी हो जाएगा। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, बड़ी खबर होती है, तो उसका असर एक तो प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो आप और हम अक्सर टीवी पर देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से
ऐसे बहुत से कलेवर होते हैं हर बड़ी खबर के, जो अदृश्य होते हैं, इनविजिबल होते हैं, जिन पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, और लेकिन जिनसे लाखों जिंदगियां प्रभावित होती हैं। कोरोना वायरस ऐसी ही एक खबर है, ऐसी ही एक घटना, एक कलामिटी, एक क्राइसिस है। आप उम्मीद है कि देवेंद्र की जो पहली खबर है हमारी सीरीज़ कोरोनाश की, उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, और आगे भी कई और स्टोरीज जो आने वाली हैं इस हफ्ते में उनको देखेंगे। हमारा वेबसाइट है www.gaonconnection.com, GAON connection, CONNECTION.com। हमारा ट्विटर हैंडल, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और हमारा फेसबुक पेज, तीनों आप एक्सेस कर सकते हैं गांव कनेक्शन टाइप करके। और अपने भी क्या विचार हैं इस पर ज़रूर बताइएगा, ताकि आपका क्या सरोकार है, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी घटनाओं को, इस घटनाक्रम को हमसे आप साझा करें। देखते रहिए और पढ़ते रहिए गांव कनेक्शन।